स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लेट अस स्टार्ट न्यू यूनिट प्रोबेबिलिटी। इट इज फॉर 8th क्लास स्टूडेंट्स, 9th क्लास स्टूडेंट्स, 10th क्लास स्टूडेंट्स, 11th क्लास स्टूडेंट्स, 12th क्लास स्टूडेंट्स एंड फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। Before starting the probability, we will go through some definitions. First of all, let's learn what do we mean by a random experiment. Random experiment कौन सा experiment है? So इसके लिए जो बेटर definition है, that is an experiment in which possible outcomes are known. But exact outcome is not known. एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको पहले से ही पता होगा कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो रिजल्ट क्या क्या आएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा वो रिजल्ट आपको पता नहीं होगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मैं बेटा आपको एक एग्जांपल देता हूं, टॉसिंग ए कॉइन। अगर आप एक कॉइन टॉस कर लोगे तो आपको बेटा पता है कि इसमें दो चांसेस है, आइदर There will occur head or tail, या तो head आएगा या तो tail आएगा। लेकिन जब आप toss करोगे exact क्या आएगा ये तो आपको नहीं पता है, इसलिए ऐसे experiment को हम random experiment कहते हैं। So random experiment ऐसा experiment होता है जिसमें पहले से ही हमें results पता होते हैं, लेकिन results बहुत सारे होते हैं, एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा results होंगे अब exact कौन सा result आएगा वो पता नहीं होता है, तो ऐसे experiment को आप random experiment कहते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हम लिखते हैं बेटा, थ्रोइंग ऑफ डाइस। अगर आप एक डाइस लगाओगे पांच सा, इसके छह साइड्स होते हैं, इसको घुमाओगे घुमाओगे जब आप इसको छोड़ दोगे तो नीचे आपको पता है बेटा वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा या सिक्स आएगा, ये तो आपको पता है कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज। लेकिन असल में आएगा क्या, एग्जैक्ट आउटकम क्या होगा वो तो आपको पता नहीं है। सो ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। So, अब नोट कीजिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, वो एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको पॉसिबल आउटकम्स पता होंगे लेकिन एग्जैक्ट आउटकम पता नहीं होगा। तो ये थी पहली डेफिनेशन जो प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए आपको पहले ये डेफिनेशन सीखनी पड़ेगी। अब जो दूसरी डेफिनेशन है बेटा, दैट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हम किसको बोलते हैं बेटा, हम लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब क्या क्या निकलने वाला है आपको तो पहले से ही पता होगा कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या निकलने वाला है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है लेकिन आपको बेटा पता है रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको पहले से ही पता होता है क्या क्या निकलने वाला है, उनका आप एक सेट बना लोगे, उस सेट को आप बोलते हो सैंपल स्पेस। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा बेटा, देखो इन टॉसिंग ए कॉइन, अगर आप एक कॉइन टॉस कर लोगे, सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं, तो अगर एक आप कॉइन टॉस कर लोगे तो इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगी, या तो हेड आने के चांस है या तो टेल आने का चांस है। सो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, इन दो पॉसिबिलिटीज का एक सेट बनाना, इसको कर्ली ब्रैकेट में रखना, बस इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। ये पहली एग्जाम्पल थी। अब दूसरी एग्जाम्पल करते हैं, इन थ्रोइंग ए डाइस, अगर आप एक डाइस थ्रो कर लोगे बेटा तो सैंपल स्पेस क्या आएगी, सैंपल स्पेस विल बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्योंकि एक डाइस में ये आने के चांसेस है, वन भी आ सकता है, टू भी, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी और सिक्स भी। तीसरी एग्जाम्पल करते हैं,
इन टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स। अगर आप दो कॉइन्स को टॉस कर लोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा, सैंपल स्पेस इज दोनों कॉइन्स पे हेड आ सकता है, दैट इज हेड हेड आ सकता है ना बेटा, एक कॉइन पे भी हेड आएगा। आपने दो कॉइन्स ले ली, एक साथ टॉस की, नीचे आ गई दो कॉइन्स, अब दोनों पे हेड आ सकता है, एक कॉइन पे हेड आ सकता है और एक कॉइन पे टेल, सो हेड टेल। अब टेल हेड भी आ सकता है और टेल टेल भी, दोनों कॉइन्स पे टेल। अब बेटा यहां कंफ्यूज मत होना, ये हेड टेल और टेल हेड एक जैसे मत है। देखो बेटा, अगर आपके पास एक रुपया है, मान लीजिए ये 1985 की है और एक है 2000 की, अब 1985 वाली रुपये पे हेड आ गया और 2000 वाली रुपये पे टेल आ गया, यहां 1985 वाली जो रुपये है उस पे टेल आ गया है और 2000 वाली जो कॉइन है उस पे हेड आ गया, सो ये अलग अलग है। सो हेड टेल टेल है, यानी कि पहली कॉइन पे हेड, दूसरी पे टेल, यहां पहली पे टेल और दूसरी पे हेड। सो ये बन सकता है, अगर आप दो कॉइन्स टॉस कर लोगे तो ये पॉसिबिलिटीज है। ये सारी पॉसिबिलिटीज लिखना कर्ली ब्रैकेट्स में कामा करके, इसको आप बेटा कहते हैं सैंपल स्पेस। और एक एग्जांपल लिखते हैं, इन टॉसिंग ऑफ कॉइन एंड डाइस साइमल्टेनियसली, आपने दो चीजें एक साथ लगाई, देखो क्या लगाया, एक तो लगाया आपने कॉइन और डाइस, दोनों एक साथ ही लगाए, कॉइन और डाइस को इस तरह फेंका, नीचे कॉइन भी पड़ गई और डाइस भी पड़ गया। अब सैंपल स्पेस क्या आएगी बेटा, देखो कॉइन पे हेड आ सकता है, चांसेस तो है, और डाइस पे वन आ सकता है, कॉइन पे हेड और डाइस पे टू, हेड थ्री भी आ सकता है, हेड फोर भी आ सकता है, हेड फाइव, कॉइन पे हेड और डाइस पे फाइव आ सकता है, हेड सिक्स आ सकता है, इसी तरह टेल वन आएगा, टेल टू आएगा, टेल थ्री आएगा, टेल फोर आ सकता है, टेल फाइव आ सकता है, टेल सिक्स आ सकता है। सो इट इज सैंपल स्पेस। इसी तरह बेटा और एक एग्जांपल करते हैं, देखो सैंपल स्पेस अगर आपको बनानी आ गई तो प्रोबेबिलिटी बहुत सारी आपकी कंप्लीट हो गई। असल में तो यही इसका मसला है। इन टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइन्स, अगर आप थ्री कॉइन्स टॉस कर लोगे बेटा, सो सैंपल स्पेस क्या आएगी, देखो बेटा सैंपल स्पेस किस तरह आएगी। तीन कॉइन्स अगर आप टॉस कर लोगे, तीन कॉइन्स आपने लगाई तो नीचे जब ये गिर गई तीन कॉइन्स, तो तीनों पे हेड आ सकता है, हेड 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 आ सकता है, ये तो चांस है। अब दो कॉइन्स पे हेड आ सकता है और एक कॉइन पे टेल, लेकिन ये टेल मैंने लास्ट वाली पे रखा, ये टेल तो बीच में भी आ सकता है, हेड टेल हेड ये भी है, दो कॉइन्स पे हेड और एक पे टेल, ये टेल तो पहले भी आ सकता है इस तरह, टेल हेड हेड। सो ये तो थी तीन हेड्स, अब दो हेड्स और एक टेल, लेकिन ये टेल मैंने यहां लास्ट पे रखा, फिर बीच में रखा, फिर स्टार्ट में रखा, और भी चांसेस है कि दो टेल्स आएंगे और एक हेड आएगा। अब टेल टेल और हेड आ सकता है, लेकिन ये हेड आपने लास्ट में रखा, ये तो बीच में भी आ सकता है, टेल हेड टेल, या ये तो स्टार्ट में भी आ सकता है, हेड टेल टेल। अब तीनों कॉइन्स पे टेल भी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है बेटा। अगर इस तरह आपको मुश्किल हो गया सैंपल स्पेस लिखना, इसका और एक तरीका भी है, आसान तरीका। देखो आप क्या कर लेंगे, आपके पास एक कॉइन के लिए जो चांस है वो है हेड टेल, दूसरी कॉइन के लिए भी चांस है हेड टेल। अब अगर आप दो कॉइन्स को मिला के थ्रो कर रहे हो, टॉस कर रहे हो, तो दो कॉइन्स के लिए अगर आपको सैंपल स्पेस ढूंढनी है दो कॉइन्स के लिए, तो क्या करना है, देखो इस एच को इस एच के साथ मिलाना है, तो एच एच, इस एच को टी के साथ मिलाना है एच टी, अब इस टी को मिलाना है एच के साथ टी एच, इस टी को मिलाना है टी के साथ टी टी, यानी कि ये जो है इसका हर कोई सैंपल पॉइंट, इसको सैंपल पॉइंट बोलते हैं बेटा, इसको सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस में जो ये एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। सो ये सैंपल पॉइंट यहां से मिलाना है, यहां से मिलाना है, इसको इसके साथ मिलाना है, इसको इसके साथ मिलाना है, सो ये है सैंपल स्पेस फॉर टू कॉइन्स। अब अगर आपको तीन कॉइन्स ड्रॉ करनी है, तो आपको पता है ये तो दो कॉइन्स के लिए है, अब तीसरी कॉइन के लिए फिर से एच टी लिखो, हेड टेल,
अब देखो क्या क्या कर लोगे आप, अगर आपको अब बनानी है सैंपल स्पेस पर थ्री कॉइन्स, ये तो है दो कॉइन्स के लिए, ये तो है एक कॉइन के लिए, अब इसको इसके साथ मिला, देखो एच एच को एच के साथ, सो बन जाएगा एच 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 और ये है, फिर इसी एच एच को इस टी के साथ मिला एच एच टी, तो ये तो मिल गया इन दो के साथ, अब इसको इसके साथ मिला एच टी एच एच टी और ये है, और इसी एच टी को इस टी के साथ मिला सो एच टी टी हो गए, फिर इस टी एच को इस एच के साथ भी मिला और टी के साथ भी मिला सो बन जाएगा टी एच एच टी एच टी, फिर इस टी टी को इस एच के साथ मिला और टी के साथ मिला टी टी एच टी टी टी, तो ये बन जाएगी सैंपल स्पेस पर थ्री कॉइन्स, ये तो एग्जैक्टली यही है, सिर्फ इसमें ऑर्डर चेंज होगा, ये वाला थोड़ा पीछे ये वाला थोड़ा आगे, इतनी ही फर्क होगी, बाकी वही आठ जो यहां पे निकले होंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यहां पर भी आठ सैंपल पॉइंट्स होंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। अब अगर आपको फोर कॉइन्स के लिए बनाना है, देखो बेटा ये तो तीन कॉइन्स के लिए आपने बनाया, इसी के साथ और एक एच टी जोड़ दीजिए, देखो अब इस एच 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 को इस एच के साथ मिला, इस एच 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 को टी के साथ मिला, इसी तरह इस एच एच टी को एच के साथ मिला, इस एच एच टी को टी के साथ मिला, तो इस तरह आप फोर कॉइन्स के लिए भी कर सकते हो, सो ये मिला उन दो के साथ, इसका हर कोई जो सैंपल पॉइंट है इन दो सैंपल पॉइंट्स के साथ मिला, तो आपको 16 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे अगर आप चार कॉइन्स टॉस कर लेंगे, तो बेटा इस तरह होती है सैंपल स्पेस। अब बेटा थोड़ा ये भी याद रख लीजिए, सैंपल स्पेस में जो ये पॉइंट्स होते हैं, देखो बेटा आपने तीन कॉइन्स जब टॉस की तो मैंने कहा उसमें आठ सैंपल पॉइंट्स होंगे, क्यों होंगे, एक प्रिंसिपल है मैथमेटिक्स में, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि इफ एन इवेंट ऑकर्स इन एम वेज, अनदर इवेंट ऑकर्स इन एन वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज एम क्रॉस एन एम इंटू एन। देखो एक कॉइन में आपके दो चांसेस है, दूसरी कॉइन में भी दो चांसेस है, तीसरी कॉइन में भी दो चांसेस है, हेड टेल हेड टेल। अब अगर टोटल चांसेस हम मिलाएंगे तो कितने बनेंगे, टू इंटू टू इंटू टू, दैट इज एट। यहां पर आपने एक कॉइन और डाइस को टॉस किया, कॉइन में है दो चांसेस, डाइस में है छह चांसेस, तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस जो होंगे टू इंटू सिक्स ट्वेल्व होंगे, अगर आप काउंट भी कर लोगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। इसी तरह बेटा और एक एग्जांपल करते हैं सैंपल स्पेस पे, सैंपल स्पेस तो इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा और एक एग्जांपल, इन थ्रोइंग ऑफ टू डाइसेस, अगर आप दो डाइसेस थ्रो कर लोगे, हाथ में दो डाइसेस ले लिए इस तरह फेंका इनको, अब सैंपल स्पेस क्या आएगी, देखो एक डाइस पे वन आ सकता है, दूसरे पे भी वन, ये तो चांस है वन वन, वन आ सकता है और दूसरे पे टू आ सकता है, वन थ्री भी आ सकता है, वन फोर भी आ सकता है, वन फाइव भी आ सकता है और वन सिक्स भी आ सकता है। पहले डाइस पे वन आएगा, दूसरे पे वन भी, टू भी, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी और सिक्स भी। अब जो दूसरा डाइस पहला डाइस होगा उस पर टू भी आ सकता है, अब टू पहले पे टू आएगा और दूसरे पे वन, पहले पे टू आएगा और दूसरे पे भी टू, पहले पे टू आएगा दूसरे पे थ्री, इसी तरह टू फोर भी आ सकता है, टू फाइव भी आ सकता है, टू सिक्स भी आ सकता है। देखो बेटा आपने डाइस दो लगाए ना, तो एक डाइस पे थ्री भी आ सकता है और दूसरे पे वन, सो थ्री वन भी पॉसिबिलिटी है, थ्री टू भी पॉसिबिलिटी है, इसी तरह बेटा थ्री सिक्स तक, इसी तरह बेटा फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फाइव, फोर सिक्स, और इसी तरह लास्ट में सिक्स वन भी आ सकता है, सिक्स टू भी आ सकता है और सिक्स सिक्स भी आ सकता है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अब ये जो ये पॉसिबिलिटीज है इनको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अगर आप देख लोगे एक डाइस में जो पॉसिबिलिटीज है सिक्स है और दूसरे डाइस में भी पॉसिबिलिटीज है सिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो होगा सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स, तो वन के साथ ये छह, दो के साथ ये छह पॉसिबिलिटीज, तीन के साथ छह पॉसिबिलिटीज, चार के साथ छह पॉसिबिलिटीज, पांच के साथ छह पॉसिबिलिटीज और छह के साथ जो छह पॉसिबिलिटीज है, टोटल मिला के 36 पॉसिबिलिटीज आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। देखो बेटा सैंपल स्पेस बनानी है, सैंपल स्पेस का मतलब क्या क्या पॉसिबल है वो सब कुछ निकालना। अ कॉइन इज टॉस्ड,
इफ हेड ऑकर्स ए डाइस इज थ्रोन, इफ टेल ऑकर्स अनदर कॉइन इज टॉस्ड. राइट सैंपल स्पेस. आपको सैंपल स्पेस बनानी है. सबसे पहले आप सीख लो सैंपल स्पेस किस तरह बनाते हैं. देखो बेटा, अगर आपको सैंपल स्पेस बनानी है तो देख लो क्वेश्चन में क्या बताता है हमें. अ कॉइन इज टॉस्ड, जब हम कॉइन टॉस कर लेंगे सो चांस क्या है, इफ हेड ऑकर्स, हेड या टेल आएगा. लेकिन यह बताता है कि इफ हेड ऑकर्स, अगर नीचे कॉइन पे हेड आ गए तो आपको क्या करना है, अ डाइस इज थ्रोन, यहां से आप एक डाइस लगा. यानी कि अगर हेड आ गया यहां से डाइस लगाओ. अब डाइस पे वन आ सकता है, देखो नीचे कॉइन पड़ी है उस पे हेड है, अब डाइस पे वन आ सकता है. सो हेड वन बन सकता है, हेड टू बन सकता है, हेड थ्री भी बन सकता है क्योंकि वहां तो हेड है. अब डाइस पे कुछ भी आ सकता है ना, छह साइड्स में, हेड वन, हेड टू, हेड थ्री, हेड फोर, हेड फाइव और हेड सिक्स. लेकिन और एक पॉसिबिलिटी है कि अगर टेल आ गया नीचे, इफ टेल ऑकर्स, अगर टेल आ गया अनदर कॉइन इज टॉस्ड. टेल के साथ आप डाइस नहीं कॉइन लगा रहे हो, यानी कि एक कॉइन पे नीचे टेल है, अब यहां से आप दूसरी कॉइन थ्रो कर रहे हो, उस कॉइन पे क्या आ सकता है, या तो हेड या टेल. यानी कि एक कॉइन पे अगर टेल है, यहां से हमने दूसरी कॉइन टॉस की, उस पे या तो हेड आ सकता है या तो उस पे टेल आ सकता है. सो टेल के साथ हेड या टेल के साथ टेल आ सकता है. सो यह बन जाएगी सैंपल स्पेस. इस तरह बेटा आप सैंपल स्पेस बनाते हो, लेकिन सैंपल स्पेस होती है इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए. सबसे पहले आपने सीखा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है. ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको पॉसिबल आउटकम्स पहले ही पता होते हैं, क्या क्या निकलने वाला है रिजल्ट वो तो पता है, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट आपको पता नहीं होता है. सो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. उसके बाद आपने पढ़ा सैंपल स्पेस कि क्या क्या निकलने वाला है, ये तो आपको पहले ही पता है, उसका एक सेट बनाना उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस. अब जो तीसरी डेफिनेशन है बेटा वो है इवेंट. इवेंट किसको हम कहते हैं, 11th और 12th वालों के लिए तो ये इजी है. इवेंट किसको बोलते हैं, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. कोई भी सबसेट हम लेंगे सैंपल स्पेस का. लेकिन आप 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास के बच्चों ने तो सेट पढ़ा ही नहीं है, इसलिए उनको सबसेट समझ ही नहीं आएगा. उनके लिए हम डेफिनेशन कुछ और तरीके से लिखते हैं. चूजिंग अ, ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, चूजिंग अ सैंपल पॉइंट्स, चूजिंग ऑफ सैंपल पॉइंट्स फ्रॉम सैंपल स्पेस, choosing of sample points from sample space as per given condition, इसको हम बोलते हैं इवेंट. आपके पास सैंपल स्पेस होगी, सैंपल स्पेस निकालनी आपको आती है, उस सैंपल स्पेस में से सैंपल पॉइंट्स निकालना, कौन कौन सा मैं निकाल लूंगा, किस हिसाब से, एक कंडीशन गिवन होगी, उसी कंडीशन के हिसाब से आप सैंपल पॉइंट्स निकालोगे तो वहां जो सेट बनेगा उसी को हम बोलते हैं इवेंट. मैं एग्जांपल बताऊंगा जहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा. इन टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, राइट डाउन द इवेंट्स, आपको इवेंट्स लिखने हैं, राइट डाउन द इवेंट्स. पहला, वन हेड, ए पार्ट, बी पार्ट, दूसरा पार्ट, टू हेड्स, तीसरा पार्ट हम लिखेंगे बेटा, एट लीस्ट वन हेड, डी पार्ट लिखेंगे, नो हेड. देखो मैंने चार क्वेश्चन बनाए, आपके पास क्या है, इन टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, आप दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हो. सबसे पहली, जब भी आप प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन देख लोगे, सैंपल स्पेस बनाया करो. So, यहां पर जब आप सॉल्यूशन में जाओगे
तो यहां पर है क्वेश्चन, इन टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, आपको पता है कॉइन्स टॉस करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले मुझे बनानी पड़ती है सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाओगे कि जब हम दो कॉइन्स को टॉस कर लेंगे सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अब सैंपल स्पेस बन सकता हेड हेड, दोनों पे हेड आ सकता है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आ सकता है, ये तो है सैंपल स्पेस। अब करना क्या है आपको, आपको अब इवेंट्स बनाने हैं। अब इवेंट तो इसी में से आपको बनाने हैं, ये तो है चार सैंपल पॉइंट्स, इन चार सैंपल पॉइंट्स में से आपको चूज करने हैं सैंपल पॉइंट्स में कौन कौन सा होगा एज पर कंडीशन। अब पहला जो है, पहला पार्ट, ए पार्ट, वन हेड, ये एक इवेंट है वन हेड। इवेंट को हम इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल इंग्लिश लेटर्स, इसका नाम आपने ए रखा, वन हेड। अब देखो बेटा इसमें दो हेड्स है तो ये तो आप नहीं लोगे, इसमें तो कोई हेड नहीं है ये तो नहीं लोगे। सो कंडीशन के हिसाब से आप कौन सा सिलेक्ट कर लोगे, तो यहां से आप एक तो एच टी सिलेक्ट कर लोगे और टी एच सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि इसमें है वन हेड, इसमें है वन हेड, ये वाला तो इसमें नहीं आएगा, ये वाला तो इसमें नहीं आएगा। सो इसको हम कहते हैं इवेंट। सो व्हाट इज एन इवेंट, चूजिंग ऑफ सैंपल पॉइंट। आप सैंपल पॉइंट चूज करते हो कहां से, फ्रॉम सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में से एज पर कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से। अब जो दूसरा इवेंट बनाना है टू हेड्स, बी पार्ट है टू हेड्स, दूसरा देखो टू हेड्स, दो हेड्स, उसका नाम आप बी रख लो, इवेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। बताओ इसमें दो दो हेड्स कहां पे है, सिर्फ एक है यहां पे एच एच, तो खाली ये आएगा टू हेड्स में, ये तो नहीं आएगा, इसमें एक ही है, इसमें तो एक है, इसमें तो कोई नहीं। अब सी पार्ट जो है एट लीस्ट टू हेड्स, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, इसका नाम आप बेटा सी रख लोगे, सी, ठीक है। अब सी में कौन कौन सा आएगा, एट लीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड, मतलब कम से कम एक हेड का मतलब होता है आप दो हेड्स भी ला सकते हो, तीन भी ला सकते हो, चार भी ला सकते हो। So, जब होगा कम से कम एक हेड तो ज्यादा से ज्यादा पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब फिर जितनी चाहो ला सकते हो। अब देखो बेटा इसमें से आपको चूज करने हैं, कम से कम एक हेड में तो एच टी आएगा, टी एच भी आएगा क्योंकि इसमें एक हेड है, लेकिन इसमें एच एच भी आएगा क्योंकि इसमें दो हेड्स है। एट लीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम एक हेड, उसका मतलब है कि अगर दो भी आएंगे तीन भी आएंगे, अब तीन वाला तो लिखते लेकिन यहां तो नहीं है क्योंकि इन्हीं चार में से आपको देखना है एक हेड या एक से ज्यादा हेड कहां पे है। तो ये अब डी पार्ट जो है यहां पे, दैट इज नो हेड, उसको हम नाम देंगे डी। अब नो हेड, इसमें तो हेड है, दो है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये एक ऑप्शन बचती है टी टी। सो इस तरह ये हो गया इवेंट। सो इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस में से ही सैंपल पॉइंट्स चूज करना एज पर कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से, ठीक है बेटा। और एक एग्जाम्पल करते हैं इवेंट पे, देखो इन थ्रोइंग ऑफ टू डाइसेस, आप दो डाइसेस थ्रो कर रहे हो, राइट द इवेंट्स, आपको इवेंट्स लिखने हैं। पहला गेटिंग सम इक्वल टू नाइन, सम आना चाहिए नाइन के बराबर, बी ऑप्शन, डबलेट, एक डबलेट आना चाहिए, सी ऑप्शन, गेटिंग सम ग्रेटर देन 10, 10 से ग्रेटर देन सम आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अभी किस तरह कर लेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या कर लोगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप दो डाइसेस थ्रो कर रहे हो तो आप एक सैंपल स्पेस बना। अब जब आप सैंपल स्पेस बनाओगे दो डाइसेस की, तो वो तो आपको पता है एक डाइस पे वन, दूसरे पे भी वन आ सकता है, वन टू आ सकता है, वन थ्री आ सकता है, वन फोर आ सकता है, वन फाइव, वन सिक्स, फिर इसी तरह बेटा टू वन आ सकता है,
टू टू आ सकता है, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, सो ऑन, इसी तरह सिक्स वन आ सकता है, सिक्स टू आ सकता है, कहां तक बेटा? वेरी नाइस, सिक्स सिक्स तक, यू गॉट इट। अब पहला पार्ट है, ए पार्ट, गेटिंग सम इक्वल टू नाइन, सम आना चाहिए नाइन, तो इसका नाम आप ए रख लोगे। अब बताओ नाइन कब सम आएगा? देखो इसमें तो हाईएस्ट सम सेवन आता है, इसमें तो हाईएस्ट सम एट आता है, तो इसमें से कोई नहीं आएगा। अब थ्री सिक्स आएगा पहला वाला, जिसका सम नाइन होगा, थ्री सिक्स। अब फोर के साथ कौन सा आएगा? फोर फाइव आएगा, नाइन। फाइव फोर आएगा, नाइन। सिक्स थ्री आएगा, नाइन। सेवन टू आएगा, नाइन। नहीं बेटा, सेवन टू नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सेवन टू तो मौजूद ही नहीं है, इन ही में से चूज करना है। सो दिस इज वेयर यू गॉट द सम नाइन। अब बी ऑप्शन है बेटा, बी पार्ट, इसका डबलेट। अब डबलेट का मतलब क्या है? डबलेट का मतलब है, उसका नाम आप बी रख लोगे, तो वन वन इसको डबलेट कहते हैं, टू टू, या डबलेट की जगह यहां लिखो सेम नंबर, सेम नंबर ऑन टू डाइस, दोनों डाइस पे सेम नंबर, तो यहां पर उसका नाम आप बी रख लोगे, सेम नंबर ऑन टू डाइस, उसका नाम यहां बी रख लोगे, वन वन, टू टू। इसी तरह बेटा थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, सेवन सेवन, नहीं बेटा सेवन सेवन नहीं, क्योंकि यहां से ही चूज करने हैं, ठीक है। और तीसरा है सी, गेटिंग सम ग्रेटर देन टेन, उसका नाम आप सी रख लोगे। तो ये कहता है कि आपको जो सम आना चाहिए दो डाइसेस पे, ग्रेटर देन टेन आना चाहिए। अब ग्रेटर देन टेन जो सम है वो तो अलेवन है या ट्वेल्व है। अब सम कब अलेवन आता है? थ्री सिक्स तो मैक्सिमम है, फोर सिक्स तो फोर वाली लाइन में मैक्सिमम, वहां तो टेन आता है, फाइव सिक्स बन रहा है अलेवन, तो आप फाइव सिक्स लिख सकते हो, सिक्स फाइव भी लिख सकते हो क्योंकि वहां पर भी अलेवन आता है, और सिक्स सिक्स लिख सकते हो, सो यहां पे आता है ट्वेल्व। ग्रेटर देन टेन का मतलब अगर अलेवन आएगा, ट्वेल्व आएगा, थर्टीन आएगा, फोर्टीन आएगा, चलेगा, लेकिन यहां तो मैक्सिमम सम ट्वेल्व आता है, वो आता है सिक्स सिक्स, और अलेवन आता है सिक्स फाइव और फाइव सिक्स के टाइम में। सो ये है बेटा इवेंट, तो इसको हम बोल रहे हैं इवेंट। सो इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है कि यहां जो सैंपल स्पेस है, इन सैंपल स्पेस में से आपको सैंपल पॉइंट्स निकालने हैं एज पर कंडीशन। कंडीशन आपको समझ में आएगी, आप खुद कर सकते हो बेटा। और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स।